क्या आपको पता है कि मुंबई एक आइलैंड पे सिचुएटेड है और इंडियन मेनलैंड पे नहीं है? और जिस आइलैंड पे मुंबई सिचुएटेड है वो इंडिया का मोस्ट पॉपुलस आइलैंड है? नहीं पता। देखिए, हम जब भी आइलैंड्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं तो हम सिर्फ दो चीज़ों के बारे में, या कह लीजिए दो आइलैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, टू ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। एक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और एक है लक्षद्वीप आइलैंड। लेकिन क्वेश्चन अब, जैसे कि आपको पता है, ट्रेंड चेंज होता रहता है, अब क्वेश्चंस इन दोनों आइलैंड से कम बनते हैं। और जो आपका इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो बहुत सारे आइलैंड्स ऐसे भी हैं जो इंडिया के पास हैं लेकिन जिनके बारे में हम स्टडी नहीं करते हैं। जैसे कि क्या आपको पता है कि एक आइलैंड ऐसा है जहाँ पे सिर्फ वाइट सैंड पाई जाती है, या फिर एक आइलैंड ऐसा है जिसका नाम हमारे इंडियन प्रेसिडेंट के नाम पे रखा गया है, या फिर क्या आप जानते हैं एक ऐसे आइलैंड का नाम जिसे कल्चरल कैपिटल ऑफ असम भी कहा जाता है, या फिर एक ऐसा आइलैंड जो कभी अपीयर होता है कभी डिसअपीयर होता है और उस पर दो कंट्रीज़ का एक विवाद बना हुआ है, या फिर क्या आप जानते हैं एक ऐसा आइलैंड भी है जिसके ऊपर सैटेलाइट लॉन्च सेंटर एस्टेब्लिश्ड है या सिचुएटेड है? देखिए, हम आज के वीडियो में क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आइलैंड्स ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है, जो कि मेन दो तो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं, अंडमान एंड लक्षद्वीप के बारे में। तो इनके बारे में मैंने 4-5 वेबसाइट्स प्लस अपने पास मेरे पास जो भी बुक्स थी उनमें से डेटा कलेक्ट किया है, कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको पॉइंट्स प्रोवाइड करवा सकूं एक ही जगह पे, ताकि आपको इधर उधर ना भटकना पड़े। बट सिर्फ इन दो आइलैंड्स के बारे में हम आज नहीं पढ़ेंगे, इसके अलावा 7 आइलैंड्स और ऐसे हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिनके बारे में मैंने अभी डिस्कस किया, प्लस 4-5 छोटे छोटे आइलैंड्स जो कहाँ पे सिचुएटेड हैं हम ये पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट आप पेशेंस बना के रखिए, पेपर और पेन अपने साथ में रखिए, क्योंकि जैसे ही आपकी वीडियो कंप्लीट होगी बिलीव मी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सेकेंडली, आइलैंड से कोई भी क्वेश्चन आता है कहीं भी 99% आप उसे कर पाएंगे, बाकी 1% यू नेवर प्रिडिक्ट द कमीशन, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर पेन अपने साथ में रखिए, नोट्स मेंटेन करते रहिए, बिकॉज बहुत सारी जगह से मैंने कलेक्ट करके डेटा बनाया है तो आपको कहीं भी और भटकने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को पूरी देख लीजिए, ना आपको YouTube पे कुछ सर्च करने की जरूरत है, ना आपको Google पे जाने की जरूरत है, ना आपको किसी UPSC की वेबसाइट पे जाने की जरूरत है, ना आपको विकिपीडिया पे जाने की जरूरत है, ठीक है? आई नो इंट्रोडक्शन थोड़ा लंबा हो गया बट चलिए अब हम मेन कंटेंट स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है हमारा आइलैंड्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो हम मेनली पढ़ क्या रहे थे, हम पढ़ रहे थे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, हमने फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया पढ़े, हमने द हिमालयाज के बारे में पढ़ा, हमने कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ा, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा, इंडियन प्लेटूज जो पेनिनसुलर प्लेटूज हैं उनके बारे में पढ़ा। अभी 5th और लास्ट पार्ट है हमारा फिजियोग्राफिक डिविजन ऑफ इंडिया का, जो कि है आइलैंड्स ऑफ इंडिया। अब आइलैंड्स के बारे में हमने इतनी बात की बट सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक आइलैंड होता क्या है, ठीक है? आइलैंड को आई थिंक हिंदी में द्वीप कहते हैं, यस द्वीप कहते होंगे। तो आइलैंड होता क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए, उसके बाद ये स्टोरी फिर ये कौन है कहाँ है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है? तो आइलैंड होता है बॉडी ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, लैंड यानी जमीन का एक ऐसा पार्ट जिसके चारों तरफ वाटर है, ठीक है? उसे हम क्या कहते हैं, आइलैंड या द्वीप कहते हैं। अब ऐसे ही द्वीपों के बारे में हम पढ़ेंगे जो इंडिया के पास हैं या जो इंडिया के टेरिटरी के अंडर हैं या फिर जो इंडिया के कंट्रोल में हैं, फाइन? तो देखिए यहाँ पे मैंने एक रफ सा मैप बनाया है इंडिया का, ठीक है? साउदर्न इंडिया कह लीजिए, पूरा तो नहीं बनाया है। तो इसके ईस्ट में क्या आता है, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, और वेस्ट में क्या आता है, अरेबियन सी यानी कि अरब का सागर या अरब सागर कह लीजिए। तो जो बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे कौन से आइलैंड्स हैं, यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जिन्हें हम कहते हैं अंडमान एंड निकोबार्स आइलैंड। मैं थोड़ा शॉर्टकट अपना दी तो मैंने यहाँ पे अंडमान से लिख दिया है, बट आपने ऐसे नहीं लिखना है, आपने लिखना है अंडमान एंड निकोबार्स आइलैंड। कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल में है। ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ऐसे नहीं है 10 हैं 20 हैं, बहुत सारे आइलैंड्स हैं यहाँ पे, बट रहते लोग कम पे हैं क्योंकि ये अलग अलग कहानी है वो हम पढ़ेंगे। फिर है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जो है अरब सागर में है, ये भी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। तो बस अब हमें इन दोनों के बारे में पढ़ना है, इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा और आइलैंड्स जिनके बारे में हम स्टडी नहीं करते हैं और ट्रेंड ये चल रहा है कि क्वेश्चन वहाँ से आता है तो उसके बारे में भी पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में। तो ये तो फैक्चुअल डेटा है, बस हम एक बार मैं आपको बताती जाऊंगी, आप साथ में नोट्स बनाते रहिए, इसमें समझने वाली कोई चीज़ नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं कहाँ पे, राइट? तो देखिए बे ऑफ बंगाल में है, ये तो आपको पता है। सो अंडमान सारा ग्रुप ऑफ 572 आइलैंड्स, 572 आइलैंड्स अप्रॉक्सीमेटली का ग्रुप है ये, ठीक है? फॉर्म्ड बाय वोल्केनिक एक्टिविटी। वोल्केनिक एक्टिविटी क्या होती है, जब ज्वालामुखी फटता है ना तो वहाँ पे क्या होता है, गैसेस बाहर निकलती हैं, फिर बहुत साल मिलियंस बिलियंस ऑफ ईयर्स हो जाते हैं, फिर वहाँ पे वो ज़मीन बन जाती है। तो जो हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं ये भी वोल्केनोस से ही बने हुए हैं, बट ऐसे नहीं कि 10 साल में 50 साल या 100 सालों में, इतने जल्दी नहीं बनते, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है?
अब नॉर्दर्न पार्ट एंड साउदर्न पार्ट, इसका मतलब है कि जो अंडमान और निकोबार है इसका टॉप मोस्ट पॉइंट कौन सा है और बॉटम वाला पॉइंट कौन सा है। नॉर्दर्न मोस्ट मतलब सबसे ऊपर वाला, साउदर्न मोस्ट मतलब सबसे नीचे वाला। डायरेक्शंस के बारे में पहले बता चुकी हूँ, आज नहीं बताऊंगी। नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट यानी कि इसे हम कहते हैं अंडमान आइलैंड, और साउदर्न मोस्ट पार्ट यानी कि इसे हम कहते हैं निकोबार आइलैंड। सो अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन दोनों को सेपरेट कौन करता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बताती चलूंगी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स देम, जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को अलग करते हैं। कैसे याद रखना है, आइलैंड का प्रॉपर नाम क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो अंडमान और निकोबार को अलग कौन करेगा, 10 डिग्री चैनल, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है रिचीज आर्किपेलागो एंड लेबिरिंथ आइलैंड आर द टू ग्रुप्स। यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रिचीज आर्किपेलागो कहाँ पे है, आपको पता ही चलेगा, आपको लगेगा कुछ इंग्लिश ऐसा नाम है, ब्रिटेन में होगा या किसी यूरोपियन कंट्री में होगा, नहीं, ये इंडिया में है, अंडेमानस के पास, यानी अंडेमान एंड निकोबार्स के पास। फिर है लेबिरिंथ आइलैंड, ये भी कहाँ है, अंडेमान एंड निकोबार जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है वहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ओके, इंडियाज़ ओनली एक्टिव वोल्केनो। इंडिया में सिर्फ एक ही एक्टिव वोल्केनो है, और वो कहाँ पे है, वो है बैरन आइलैंड निकोबार आइलैंड्स में। अब एक्टिव वोल्केनो क्या होता है, देखिए हम पढ़ते हैं वोल्केनोज के बारे में वर्ल्ड ज्योग्राफी में, फिर हम पढ़ते हैं कुछ एक्टिव वोल्केनोज होते हैं, कुछ डॉर्मेंट वोल्केनोज होते हैं। एक्टिव वोल्केनो है जहाँ पे बार बार विस्फोट होता रहता है, मतलब बार बार वोल्केनिक एक्टिविटी होती रहती है, कुछ ना कुछ सालों के बाद रेपिटेशन होता रहता है। डॉर्मेंट वोल्केनोज वो होते हैं जहाँ पे कई सालों तक कोई विस्फोट ही नहीं हुआ है, कोई वोल्केनिक एक्टिविटी ही नहीं हुई है। चलिए हम उसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। आज तो हम सिर्फ पढ़ रहे हैं इंडिया के आइलैंड्स के बारे में। तो इंडिया का इकलौता एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, बैरन आइलैंड है, निकोबार आइलैंड्स के पास में है। ओवरऑल पूछा जाए तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के पास है। ये भी चीज याद रखना कि जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं ये एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, केंद्र शासित प्रदेश है, फॉर्म्ड ड्यू टू कोलिजन बिटवीन इंडियन प्लेट एंड दी बर्मा माइनर प्लेट पार्ट ऑफ यूरेशियन प्लेट। अब क्या होता है ना, दो प्लेट्स हैं वो इस तरह से ऐसे टकराती हैं तो उससे भी कुछ आइलैंड्स बन रहे हैं। कुछ आइलैंड्स जो हैं वो वोल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू बने हैं, कुछ आइलैंड्स जो हैं वो इस तरह से टकरा के ज़मीन ऊपर कूटती, जिस तरह से हिमालयाज बनते हैं उसी तरह से ये भी बन रहे हैं। कौन कौन सी प्लेट्स टकराती हैं, एक तो इंडियन प्लेट हो गई और दूसरा बर्मा की माइनर प्लेट हो गई। हम पढ़ते हैं ना 7 मेजर प्लेट्स हैं हमारे इंडिया में, सॉरी इंडिया में नहीं, हमारे वर्ल्ड में 7 मेजर प्लेट्स हैं और 20 माइनर प्लेट्स हैं, वो भी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो जब वर्ल्ड ज्योग्राफी भी हम कंप्लीट कर लेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बाद, तो आपकी पूरी ज्योग्राफी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो दीज आर डिवाइडेड इंटू 3 मेन आइलैंड्स, इनको हम मेनली 3 मेन आइलैंड्स में डिवाइड करते हैं, नॉर्थ मिडिल एंड साउदर्न आइलैंड, ठीक है। फिर है डंकन पैसेज, डंकन पैसेज सेपरेट्स लिटिल अंडमान फ्रॉम साउदर्न अंडमान। ये हमने एल ए लिखा है, ये मैंने ऐसे लिखा है शॉर्ट में, लिटिल अंडमान को साउदर्न अंडमान से अलग कौन करता है, डंकन पैसेज। सो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन उठते हैं ना, और फिर हमने एक आधी बुक से पढ़ा होता है, फिर हमें लगता है कि ये तो हमारी बुक में था ही नहीं, तो बुक के भरोसे तो रहना ही नहीं है। अपने नोट्स बनाने हैं, चार जगह से नोट्स बनाइए, डेटा इतना इकट्ठा कर लीजिए कि एग्जामिनर बाहर से कुछ डाल ही नहीं पाए, बाकी तो फिर एग्जाम के स्टैंडर्ड के हिसाब से भी थोड़ा डिपेंड करता है। तो चलिए डंकन पैसेज हो गया, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। मेक श्योर आप नोट्स बनाते रहें साथ साथ में, क्योंकि नोट्स नहीं बनाए तो जो भी मैं पढ़ाऊंगी वो सारा आप टाइम के साथ भूल जाएंगे और फिर सारा पढ़ा पढ़ाया लॉस है। तो देखिए पेपर पेन साथ में रखें, नोट्स बनाते रहें। हम बात कर रहे हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में, तो जो पोर्ट ब्लेयर है वो कैपिटल है इनकी, ये लाई करती है साउथ अंडमान में। हमने अभी पढ़ा कि लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान को अलग करता है डंकन पैसेज। सो पोर्ट ब्लेयर जो है वो साउथ अंडमान में आती है। अमंग द निकोबार आइलैंड्स, अब अगर निकोबार आइलैंड्स की बात करें तो सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, द ग्रेट निकोबार, और जो ग्रेट निकोबार है ये साउदर्न मोस्ट आइलैंड है, सबसे नीचे वाली जगह पे है, वेरी क्लोज टू द सुमात्रा आइलैंड इंडोनेशिया। ये क्वेश्चन भी उठता है कि कौन सा ऐसा आइलैंड है जो सुमात्रा आइलैंड इंडोनेशिया के पास है, तो हमें सिर्फ इतना पता होता है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, बट एक्चुअल में कौन सा है, द ग्रेट निकोबार है, ठीक है। दीज आइलैंड्स आर मेड अप ऑफ टर्शरी सैंडस्टोन लाइमस्टोन एंड शेल। ये सैंडस्टोन लाइमस्टोन और शेल जो है टर्शरी पीरियड के उससे बने होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है दैट मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स, जो ज़्यादातर यहाँ पे आइलैंड्स हैं, ठीक है, वहाँ पे थिक फॉरेस्ट हैं, बड़े बड़े घने जंगल हैं, बट सम ऑफ द आइलैंड्स कोरल रीफ्स, लेकिन कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जहाँ पे क्या है, कोरल रीफ्स आपको मिलेंगे। देखिए कोरल रीफ्स, फ्रिंजिंग रीफ्स, ये भी एक अलग सा ही है, अटॉल वगैरह इसमें आते हैं, बट
उसे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में ही कवर करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें अगर हमें छोटे छोटे उनको बताने लग गए तो वीडियो तो फिर 2-3 घंटे की हो जाएगी, इतनी लंबी वीडियो तो अपलोडिंग में भी इशू होगा, आपको पढ़ने में भी बोरिंग हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ शॉर्ट वीडियो बने बट ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपका इसमें कवर हो जाए ताकि आपको कहीं और भागना ना पड़े। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स हो गए थिक फॉरेस्ट, इसमें से कुछ जो है वहाँ पे कोरल रीफ्स आपको मिलेंगे। हाईएस्ट पीक की बात करें तो देखिए, हमने अगर आपको याद होगा जब हमने हिमालयस पढ़ा था तो हमने हर एक स्टेट और यूटी की हाईएस्ट पीक पढ़ी थी। ठीक है, तो हाईएस्ट पीक यूटी, हमने ये जो अंडमान एंड निकोबार है इसकी हाईएस्ट पीक को भी वहाँ पे कवर किया था, वो थी सैडल पीक जो कि नॉर्थ अंडमान में है। सो हाईएस्ट पीक हो गई सैडल पीक जो कि नॉर्थ अंडमान में है। अंडमान का स्टेट एनिमल कौन सा है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो वो है डुगोंग, डुगोंग जो कि एक सी मैमल है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो छोटे एग्जाम्स में आते हैं, हायर एग्जाम्स में इतना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। ऑल्सो कॉल्ड एमराल्ड आइलैंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है जहाँ पे मैंने क्लर्क का एग्जाम दिया था वहाँ पे, कि एमराल्ड आइलैंड्स किसको बोलते हैं, फिर हमें मतलब हम लिंक नहीं कर पाते कि अंडमान्स को बोलते होंगे, क्वेश्चन गलत हो जाता है इतना इजी सा। सो एमराल्ड आइलैंड्स बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को। द सेंटिनलीज, द ओनली नोन पैलियोलिथिक पीपल लिव हेयर। सो आप एक बार यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, जो अंडमान एंड निकोबार है ना, यहाँ पे एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पे हम लोग नहीं जा सकते, जहाँ पे ह्यूमंस नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो मतलब बहुत पुराना ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, वो तीर मारते हैं और उनके कपड़े भी थोड़े आदिमानव टाइप होते हैं, और वहाँ पे आप जो एयरप्लेन्स वगैरह होते हैं, एरोप्लेन्स वगैरह, इनसे भी नहीं जा सकते, शिप के थ्रू भी नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप जाएंगे तो वो अपने बड़े बहुत तीखे तीखे तीर होते हैं उनको छोड़ते हैं। मैंने भी एक बार वीडियो देखी थी तो उसमें ये बताया था कि कोई डायरेक्टर वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री बनाने गया था, तो उनको लगा कि हम उनको समझाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनको कुछ लालच देंगे और वहाँ डॉक्यूमेंट्री बना लेंगे, बट वो उस आइलैंड तक पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि उस आइलैंड पे पहुंचने से पहले जैसे वहां के लोगों को दिख जाता है ना कि यहां पे कोई आ रहा है, वो बहुत तीखे से तीर से छोड़ना स्टार्ट करते हैं और इतने स्टाइल से छोड़ते हैं कि मतलब सीधे निशाने पे लगते हैं। तो उस डायरेक्टर को वो तीर भी लगे थे और वो काफी ज्यादा घायल हो गया था, हॉस्पिटलाइज हो गया था काफी, आई थिंक 1-2 हफ्ते के लिए जो भी था। सो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि जो सेंटिनलीज है या फिर ऐसी ट्राइब या फिर पैलियोलिथिक पीपल ये इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं, तो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में पाए जाते हैं। राइट, नेक्स्ट आता है कहाँ पे है ये आइलैंड, जस्ट गिव मी अ मिनट। फाइन, लोकेटेड इन द अर्थक्वेक जोन, यहाँ पे अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, अर्थक्वेक्स काफ़ी ज़्यादा आते रहते हैं, और कोकोनट यानी नारियल के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, नारियल के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रैब, ये एक छोटा सा एनिमल होता है, ठीक है, जिसके 10 टांगे होती हैं, टांगे कह लीजिए, हाथ कह लीजिए, और शेल का बना होता है, जायंट रॉबर क्रैब, ये रेयरेस्ट भी है, ये हमें अंडमान एंड निकोबार में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है ग्रेट, हमने पढ़ा कि जो ग्रेट निकोबार है वो साउदर्न मोस्ट आइलैंड है और वो सुमात्रा आइलैंड जो है इंडोनेशिया को उससे टच करते हैं, तो इन दोनों को सेपरेट क्या करते हैं, ग्रैंड चैनल करते हैं। ठीक है, अब जो म्यांमार कोको आइलैंड्स हैं और जो नॉर्थ अंडमान है, इन दोनों को कौन अलग करता है, कोको स्ट्रेट। देखिए, सबसे ऊपर म्यांमार है, ठीक है, उसके बाद नॉर्थ अंडमान है, इन दोनों को कोको स्ट्रेट करता है, फिर उसके बाद ग्रेट निकोबार और सुमात्रा, ये सबसे नीचे हैं और ये दोनों सबसे ऊपर हैं। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ बांग्लादेश जैसा बांग्लादेश आता है, ठीक है, बांग्लादेश के नीचे फिर म्यांमार के ये आइलैंड्स आते हैं, फिर हमारा अंडमान निकोबार स्टार्ट होता है। तो म्यांमार कोको आइलैंड्स हो गए, उसको नॉर्थ अंडमान से अलग कौन करता है, कोको स्टेट, फिर उसके बाद ये आता है और ये सबसे नीचे वाला पार्ट है, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है। ठीक है, आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे, आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी, आपको समझ में आ रहा होगा। नोट्स अपने साथ साथ में मेंटेन रखिए, नेक्स्ट टाइम जब भी आप रिवाइज करेंगे आपको सब समझ में आएगा, जो मैंने कहा था सब आपके माइंड में एक बार रिकैप्चुलेट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। सो नेक्स्ट जो हमारा है ये है लक्षद्वीप आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड्स हमने पढ़े कि कौन से सागर में है, तो ये है अरब सागर में, अरेबियन सी में, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है मैंने, दीज आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी, अरेबियन सी में लोकेटेड है, यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, प्रीवियसली कॉल्ड लक्षद्वीप मिनिकॉय एंड अमिनीदीप आइलैंड्स, मतलब 1956 से 1973 तक इनको इस नाम से जाना जाता था, उसके बाद इनका नाम चेंज करके लक्षद्वीप आइलैंड्स रख दिया गया। नाउ जो मिनिकॉय और अमिनीदीप ग्रुप है ये प्राइमरी आइलैंड्स है, मतलब मेन आइलैंड्स है यहाँ पे, ये भी है ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स, बहुत सारे जो आइलैंड्स हैं उनका ग्रुप है। बट देखिए, अब जैसे हमने अंडमान में पढ़ा 572 आइलैंड्स हैं, बट क्या 572 के 572 में लोग रहते हैं, नहीं, बहुत कम में लोग रहते होंगे, इनहेबिटेड बहुत कम होंगे। ठीक है, वैसे ही जो हमारा लक्षद्वीप है, इट इज़ ऑल्सो ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स बट इनहेबिटेबल ओनली 10, जिसपे लोग रहते हैं वो सिर्फ 10 ही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसके बारे में हमें क्या क्या इंटरेस्टिंग नॉलेज मिलेगी जानने के लिए। सो इन मलयालम एंड संस्कृत लक्षद्वीप मीन्स 100,000 लैंड्स। मलयालम भाषा की बात करें या संस्कृत भाषा की बात करें तो लक्षद्वीप का मतलब होता है 100,000 लैंड्स।
इनको कोरल आइलैंड्स भी कहते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को और क्या कहते हैं, एमिराल्ड आइलैंड्स कहते हैं। वैसे ही कोरल आइलैंड्स किसे कहते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स को कहते हैं। अब इसका भी हम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट और साउदर्न मोस्ट पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, अमिनी द्वीप आइलैंड, साउदर्न मोस्ट क्या है, मिनिकॉय आइलैंड, तो बीच में क्या बचा, लक्षद्वीप बचा, क्योंकि तीन ही आइलैंड्स हैं इसमें मेन। नॉर्दर्न मोस्ट होता है सबसे ऊपर वाला, साउदर्न मोस्ट होता है सबसे नीचे वाला, तो सबसे ऊपर वाला कौन सा है, अमिनी द्वीप, सबसे नीचे वाला कौन सा है, मिनिकॉय, और बीच में कौन सा बच गया, लक्षद्वीप, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपने नोट्स बनाए या नहीं बनाए, आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला या नहीं मिला वो भी मुझे ज़रूर बताएं। नाउ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट एडवांस्ड कौन से हैं, सबसे ज़्यादा बड़ा और सबसे ज़्यादा एडवांस कौन सा है, मिनिकॉय आइलैंड है, ठीक है, मिनिकॉय आइलैंड जो कि साउदर्न मोस्ट भी है। नाउ कैपिटल की बात करें, अंडमान्स में हमने कैपिटल पढ़ी थी, क्या कैपिटल पढ़ी थी हमने अंडमान्स की, पोर्ट ब्लेयर हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो वैसे ही अब हम पढ़ेंगे लक्षद्वीप की आइलैंड कौन सी है, सॉरी लक्षद्वीप की कैपिटल कौन सी है, तो वो है कवारत्ती। कवारत्ती जो है लार्जेस्ट सिटी है इन द यूनियन टेरिटरी, मतलब पूरे की पूरी जो ये केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप आइलैंड है, इसमें जो सबसे बड़ी सिटी है वो है कवारत्ती। नाउ प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, यहाँ के लोगों का इनकम का प्राइमरी सोर्स क्या है, जैसे इंडिया में क्या है, एग्रीकल्चर प्राइमरी सोर्स रहता है, तो यहाँ पे क्या है, फिशिंग है, मछली का जो पालन करते हैं, है ना, वो है। बिगेस्ट आइलैंड कौन सा है यहाँ का, मिनिकॉय है। सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा एडवांस कौन सा है, यही है मिनिकॉय। आइलैंड ऑफ पिटी बर्ड सेंचुरी, यहाँ पे है एक आइलैंड ऑफ पिटी या फिर पिटी आइलैंड भी उसे कहते हैं, वहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। अब ये तो हो गया, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रह गया जो हमें पढ़ना है। हमने बड़ा लक्षद्वीप है, बीच में लक्षद्वीप है, बट लक्षद्वीप की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं बताई है। फिर लक्षद्वीप है, मिनिकॉय है और मालदीव है, मालदीव से सबसे नीचे, तो आप वैसे याद रख सकते हैं। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और मालदीव्स को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। अब इसको याद करने का मैंने जो तरीका अपनाया मैं आपको वो बताती हूँ, आपको अच्छा लगेगा आप भी अपना लीजिएगा, दवाई समझ के याद कर लीजिएगा। मैं तो समझ के याद करने में ज़्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि पेपर के टाइम आपको ट्रिक्स नहीं याद आती है ना, कुछ इंपॉर्टेंट जो बार बार पढ़ी होती है सिर्फ वही याद आती है। तो यहाँ तो मैंने लिखा है कि मेरे 98 मार्क्स आए 100 में से ज्योग्राफी में, ठीक है। तो 98 आए ना 100 में से, तो 98 क्या हुआ, ऊपर 9 डिग्री चैनल है, नीचे 8 डिग्री चैनल है, ये तो याद हो गया कि ऊपर 9 डिग्री चैनल है, नीचे 8 डिग्री चैनल है, पर ये कैसे याद होगा कहाँ पे क्या है। तो पहले इंडिया के आइलैंड्स आएंगे, लक्षद्वीप इंडिया का आइलैंड है, नीचे जो है दूसरी कंट्री का आइलैंड आएगा, कौन सा है, मालदीव्स, तो बीच में क्या बच गया, मिनिकॉय। तो मैंने इस तरह से याद किए हैं, बट आप देख लीजिएगा मेरी ट्रिक थोड़ी आपको मे भी कॉम्प्लिकेटेड लगे, आपको वो स्टेटमेंट वाली ट्रिक ज़्यादा अच्छी लगती होंगी, मैंने देखा है काफ़ी लोग कहते हैं। बट देखिए लक्षद्वीप हो गया हमारा कंप्लीट, अब हमें आगे चलना है और हमें पढ़ना है जो बाकी, जो मैंने बोला था ना कि काफ़ी ज़्यादा आइलैंड्स हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करना है, तो बस अब वहीं पे चलते हैं। सम अदर इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट आइलैंड्स मुझे लिखना चाहिए था यहाँ पे। फर्स्ट है अब्दुल कलाम आइलैंड। तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि ऐसा कौन सा आइलैंड है जिसका नाम हमारे प्रेसिडेंट के नाम पे पड़ा है, वो यही आइलैंड है अब्दुल कलाम आइलैंड। तो देखिए आइलैंड के बारे में भी हम स्टडी करेंगे, यहाँ पे देखिए आइलैंड के बारे में भी पढ़ेंगे, बट पहले हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में। अब्दुल कलाम आइलैंड का नाम जो है वो APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पे पड़ा है, ठीक है। इनका फुल नेम की अगर हम बात करें तो वो था अबुल पाकि जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पहले पहले आता था एग्जाम्स में, अब तो नहीं आता आई थिंक। ये एक इंडियन साइंटिस्ट थे, कौन थे, इंडियन साइंटिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे, इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि कौन सा आइलैंड है जिसका नाम मिसाइल मैन के नाम पर पड़ा है, तो ये काफ़ी ईजी हो जाता है अब्दुल कलाम आइलैंड। बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे हैं 2002 से 2007 तक, तो जब क्वेश्चन ऐसे आता है ना कि कौन सा आइलैंड है जिसका नाम प्रेसिडेंट के नाम पर रखा गया है, तब हम कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स थे उनके विकास में, उनके डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा रोल इन्होंने प्ले किया है, इन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। सो ये तो हमने APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे अब्दुल कलाम आइलैंड के बारे में कि इस आइलैंड की क्या क्या खासियत है, क्या क्या यहाँ पे चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि इस आइलैंड का पहले नाम व्हीलर आइलैंड हुआ करता था, ठीक है, बट बाद में इसका नाम चेंज हुआ, अब्दुल कलाम आइलैंड इसका नाम रखा गया। अब ये है कहाँ पे, नियर दी उड़ीसा कोस्ट, उड़ीसा के कोस्ट के पास है, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में है, यहाँ पे मिसाइल लॉन्चिंग स्टेशन है क्या आइलैंड में, क्यों फेमस है ये भी तो पता होना चाहिए। तो मिसाइल लॉन्चिंग स्टेशन है, मिसाइल लॉन्चिंग स्टेशन आप समझते हैं जहाँ से मिसाइल्स लॉन्च की जाती हैं,
ठीक है, इंडियाज मोस्ट एडवांस्ड मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी। अब मिसाइल्स जो है वो सही से लॉन्च हो रही हैं कि नहीं, उनको टेस्ट करना है या जो भी उनका काम होता होगा वो सारा यहाँ से होता है, और ये मोस्ट एडवांस्ड मिसाइल फैसिलिटी है इंडिया की। फाइन, तो यह तो हमने पढ़ लिया अब्दुल कलाम आइलैंड के बारे में, आई होप आपको समझ आया होगा। अब याद कीजिए, स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि ऐसा कौन सा आइलैंड है जहाँ पे आपको वाइट सैंड मिलेगी और जहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। तो हाँ जी, हम उसी आइलैंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उस आइलैंड का नाम है पंबन आइलैंड, इसे रामेश्वरम आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। अब जैसे ही मैंने रामेश्वरम आइलैंड कह दिया, आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि ये कौन से स्टेट के अंडर आता है, कौन से स्टेट की बाउंड्री या टेरिटरी के अंडर आता है। बिल्कुल राइट, ये तमिलनाडु की टेरिटरी के अंडर आता है। बट चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। जो पंबन आइलैंड है, यानी कि जिसे हम रामेश्वरम आइलैंड भी कहते हैं, इट लाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में लाई करता है, लेकिन इंडियन आइलैंड है, इंडिया की टेरिटरी में आता है। फाइन, लोकेटेड इन द गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी में है ये। कम्स अंडर रामानंतपुरम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, तमिलनाडु के रामानंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द लैंड है दैट इज वाइट सैंड, ज़्यादातर यहाँ पे जो ज़मीन है, धरती है, वहाँ पे आपको सफ़ेद रेत मिलेगी, वाइट सैंड मिलेगी, एंड दैट्स वाई इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। इसीलिए यहाँ पे खेती बाड़ी नहीं की जा सकती है, एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। देखिए, हमने दो आइलैंड्स पढ़ लिए। अगर आप साथ साथ में नोट्स बना रहे हैं आपको बहुत फ़ायदा होगा, आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर होगा तो उससे ज़्यादा खुशी मेरे अलावा किसी को नहीं होगी। तो आप बस नोट्स अपने प्रिपेयर करते रहिए, अपने तैयारी करते रहिए, और मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल से टाइम निकालती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छे नोट्स बना सकूँ। अदरवाइज़ बुक से देख कर लिखना वो तो बहुत ईजी काम होता है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पहले बुक से लिखती हूँ, फिर मोबाइल से लिखती हूँ, वेबसाइट्स चेक करती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कोई इंपॉर्टेंट कोई फैक्चुअल डेटा तो नहीं है जो छूट गया वो भी चेक करती हूँ। तो अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छा हो जाए, बाकी कुछ छूट जाता है तो फिर उसमें क्या कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट आइलैंड, ठीक है, श्रीहरिकोटा आइलैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं, जिस टाइम मैं पहले क्लर्क के पेपर देती थी, अब तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो गया, बट उस टाइम क्वेश्चन सीधे आता था श्रीहरिकोटा आइलैंड कौन से स्टेट में है, या फिर ऐसा कौन सा आइलैंड है जहाँ पे सतीश धवन स्पेस सेंटर है। कितना बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, जो लोग तैयारी कर रहे हैं सालों से उनको पता है कि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे इजी क्वेश्चंस अब नहीं आते हैं, अब क्वेश्चंस काफ़ी घुमा फिरा के आते हैं तो काफ़ी डिटेल स्टडी करनी पड़ती है। सो श्रीहरिकोटा आइलैंड के बारे में हम पढ़ेंगे। इट लाइज बिटवीन पुलिकट लेक एंड बे ऑफ बंगाल। सबसे पहले तो पुलिकट लेक कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, बे ऑफ बंगाल का आपको पता है, तो आइडिया लगा लीजिए कि जहाँ आंध्र प्रदेश और जहाँ बे ऑफ बंगाल उसके बीच में कहीं होगा। ठीक है, तो ये लाई करता है पुलिकट लेक और बे ऑफ बंगाल के बीच में, लोकेटेड इन द नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश। अब देखिए यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न है, बट मैंने अपने दोनों पॉइंट्स यहाँ पे रख दिए हैं, अब आप भी एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा अपनी बुक्स में। मेरी बुक में था कि ये आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मुझे एक बार थोड़ा डाउट था तो मैंने गूगल किया, वहाँ पे आता है तिरुपति डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो आप भी एक बार देख लीजिएगा आपकी बुक्स क्या बताती हैं, उस हिसाब से लिख लीजिएगा, अदरवाइज इतना डेप्थ में नहीं आएगा, इतना ही आता है कि कौन से स्टेट में है, आंध्र प्रदेश में है। नाउ वन ऑफ द इसरो सैटेलाइट लॉन्च फैसिलिटीज़, इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की सैटेलाइट लॉन्च फैसिलिटी, मतलब यहाँ से सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं रॉकेट के थ्रू। तो अब इसरो के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, हमें एक ही सब्जेक्ट नहीं कवर करना है, हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस सब कुछ पढ़ना होता है, उसके अलावा करंट अफेयर्स पढ़ना होता है और स्पोर्ट्स का भी कुछ पढ़ना होता है। सो हम किसी भी वर्ड को छोड़ नहीं सकते अगर हमें नहीं पता है, वो पढ़ना पड़ेगा वहीं पे एट द सेम टाइम, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। सो इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये नेशनल स्पेस एजेंसी है इंडिया की, इंडिया की नेशनल स्पेस एजेंसी। जैसे इंडिया की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली बोल देते हैं हम, है ना, तो ये नेशनल स्पेस एजेंसी है, पूरे इंडिया का स्पेस का काम यहाँ पे होता है इसरो में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में। अब क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, क्वेश्चन इन तीन में से आएगा कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलोर में है। अब आजकल क्वेश्चन चले कि कौन से डिपार्टमेंट के अंडर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आता है, कब बना है, 1969 15 अगस्त को बना है। ठीक है, ये आप अलग से ब्लॉक बना के लिख लीजिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे, ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे दैट इंडिया हैज़ टू सैटेलाइट लॉन्च सेंटर्स। इंडिया के पास सिर्फ दो ही हैं जहाँ से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, ऐसे सेंटर जहाँ से सैटेलाइट स्पेस में भेजे जाते हैं, ऐसे सेंटर। अब आप सोच रहे होंगे हमें क्या करना है, हम तो श्रीहरिकोटा आइलैंड के बारे में पढ़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ें दो सैटेलाइट लॉन्च सेंटर्स के बारे में। तो उसका भी एक रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि जो ये सेकेंड वाला है ये श्रीहरिकोटा आइलैंड के ऊपर है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। बट अब जब एक पढ़ रहे दूसरा भी पढ़ लीजिए, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, ट्रेंड तो आपको पता है कितना टफ हो गया एग्जाम्स आजकल। तो इंडिया के पास दो सैटेलाइट लॉन्च सेंटर्स हैं,
पहला है TERLS, दूसरा है SDSC, इनके नाम से नहीं करना याद, हमें पूरा फुल नेम याद करना है। फर्स्ट है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन, थुम्बा इक्वेटोरियल करना है, थुम्बा इक्वेटोरियल तिरुवनंतपुरम केरला में है, थुम्बा तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है। दूसरा है सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये तो आपको याद करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, थुम्बा तिरुवनंतपुरम में है, सतीश धवन श्रीहरिकोटा में है, सो सिंपल, ठीक है। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया आपका। अब हम चलेंगे नेक्स्ट, ये देखिए छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, दो मिनट में मैं आपको इनको कवर करवा दूंगी। इसके अलावा और भी है इंपॉर्टेंट, एक ऐसा आइलैंड भी है जो कभी अपीयर होता है कभी डिसअपीयर हो जाता है, तो उस आइलैंड के बारे में हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे, फिलहाल आप यहाँ पे रखिए मजौली आइलैंड। अच्छा आपको याद है मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ऐसा कौन सा आइलैंड है जिसे कल्चरल कैपिटल ऑफ असम के नाम से जाना जाता है? यस, हाँ जी, हम उसी आइलैंड के बारे में पढ़ रहे हैं, मजौली आइलैंड, ये असम में है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर आइलैंड, ये एक ऐसा आइलैंड है जो फ्रेश वाटर के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर आइलैंड है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे बना हुआ है, मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर के पानी है इसके आसपास। इंडियाज़ फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट, ये पहला ऐसा आइलैंड है जिसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया 2016 में, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड कल्चरल कैपिटल ऑफ असम, इसे असम के कल्चरल कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा कल्चर सेंसिटिव हैं, ठीक है, अपनी सांस्कृतिक जो होता है ना उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं अपनी संस्कृति पर। मजौली आइलैंड हो गया, अब है आलियाबट आइलैंड। सो ये आलियाबट, ये इली एलिबट कुछ भी कह लीजिए, तो जो हमने शुरू में पढ़ा था कि ऐसा कौन सा आइलैंड है जहाँ पर आपको ऑयल वेल मिलेगा, तेल के कुएँ मिलेंगे, ठीक है, तो उसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। आलियाबट या आलिबट आइलैंड गल्फ ऑफ खंबाट या गल्फ ऑफ खंबट गुजरात में है, इन द डेल्टा ऑफ रिवर नर्मदा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप जैसे डालेंगे ना, आप गूगल करेंगे अगर एलिबट आइलैंड, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कौन से डेल्टा में है, नर्मदा रिवर के डेल्टा में है, बिल्कुल टिप्स पे इसको रटी लो, आप समझना रहने दो इसको, रट लो। इंडियाज़ फर्स्ट ऑफ शोर ऑयल वेल साइट, इंडिया की पहली ऐसी साइट है, ठीक है, जहाँ पे तेल का कुआं है, बट पहली ऐसी साइट है जहाँ पे आइलैंड पे तेल का कुआं है, आइलैंड पे आपको कहीं भी तेल का कुआं या ऑयल वेल नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये वाला भी हो गया हमारा कंप्लीट, इसके नोट्स अगर आपने बना लिए, देखिए आपको ऐसे बने बनाए नोट्स जो अंडमान लक्षद्वीप हैं उनके अलावा जो ये वाले हैं ये तो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे बने बनाए नोट्स, ठीक है, ये तो आपको फिर डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा इस वेबसाइट में दो चीज़ें इस वेबसाइट में है, दो चीज़ें उस वेबसाइट में है, फिर लिखना पड़ेगा, तो अगर आप साथ साथ में बनाएंगे आपका काफ़ी ज़्यादा काम कम हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेलसेट आइलैंड। याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मुंबई एक आइलैंड के ऊपर सिचुएटेड है और जिस आइलैंड पे वो सिचुएटेड है वो इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला आइलैंड है। हाँ जी, तो उस आइलैंड का नाम है सेलसेट आइलैंड, ये डबल टी है, ठीक है, सेलसेट आइलैंड इंडियाज़ मोस्ट पॉपुलस आइलैंड, इंडिया का एक ऐसा आइलैंड जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, कौन सा है, सेलसेट आइलैंड है, मुंबई सिटी इज़ लोकेटेड ऑन इट, जो मुंबई सिटी है वो भी इसके ऊपर ही बनी हुई है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे चार देख रहे होंगे, ये चार आइलैंड्स जो है थोड़ा थोड़ा था इनके बारे में तो मैंने अलग से हेडिंग्स नहीं दिए, जैसे कि पहला है सागर आइलैंड, गंगा डेल्टा में बना हुआ है, बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल में है, सिग्निफिकेंट हिंदू पिलग्रिमेज साइट है, मतलब हिंदू के जो धार्मिक महत्व होते हैं ना धर्म से रिलेटेड साइट है। हॉलीडे आइलैंड की जगह हॉलीडे भी लिखा है, हॉलीडे आइलैंड, तो आई थिंक वो प्रोनाउंसिएशन का हो सकता है, जैसे साउथ के लोग हॉलीडे को हॉलीडे ऐसे कुछ बोलते हैं, तो मे बी उस वजह से होगा या हो सकता है इसका नाम ही हॉलीडे हो, तो आप देख लेना हॉलीडे या हॉलीडे एक ही बात है। पार्ट ऑफ सुंदरबंस रीजन, सुंदरबन के एरिया में है, वेस्ट बंगाल में है, माल्टा रिवर पर बना हुआ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, माल्टा रिवर पर बना हुआ है। फुम्बिस या फ्लोटिंग आइलैंड्स, अब हम बात करेंगे फुम्बिस या फ्लोटिंग आइलैंड्स के बारे में, मणिपुर में है, लोकेटेड विद इन कीबुज लामजाओ नेशनल पार्क, ऐसा कौन सा आइलैंड है जो नेशनल पार्क के ऊपर बना हुआ है, क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं इतने घुमा के आते हैं कि आप मतलब जज ही नहीं कर पाते, तो वो है फ्लोटिंग आइलैंड्स या फुम्बिस आइलैंड जो कि मणिपुर में है। नेक्स्ट है मनरो आइलैंड, कहाँ पे है, केरला में है, एट दी कॉन्फ्रेंस ऑफ अष्टमुंदी लेक एंड कल्लड़ रिवर, ठीक है, तो ये चार हो गए, इसमें बताने वाली है समझाने वाली तो आई डोंट थिंक कोई ज़रूरत है, ये तो फैक्चुअल सा डेटा है आपको पढ़ना पड़ेगा अपने आप, बट ये जो आ गया ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यू मूर आइलैंड, न्यू मूर आइलैंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो ये है वो आइलैंड, स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि एक ऐसा आइलैंड जो कभी अपीयर होता है कभी डिसअपीयर हो जाता है, फिर से अपीयर हो जाता है फिर से डिसअपीयर हो जाता है, क्या चला भाई, तो बस उसी आइलैंड के बारे में हमें पढ़ना है। इस आइलैंड का नाम है न्यू मूर आइलैंड, इसे पूर्वाशा आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, साउथ तलपट्टी आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, और ये गंगा डेल्टा में है, गंगा नदी जो डेल्टा बनाती है उसमें है। डेल्टास क्या होते हैं, एस्टुरीज क्या होती हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो पढ़ी थी उसमें बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम नहीं इसको डिस्कस करेंगे। इट इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश में लड़ाई चली हुई इस आइलैंड के पीछे,
क्यों चली है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। होता क्या है, समटाइम्स इट अपीयर, समटाइम्स इट डिसअपीयर्स। कई बार ये अपीयर हो जाता है, कई बार ये गायब हो जाता है, ठीक है। फर्स्टली अपीयर्ड इन 1970 में सबसे पहले ये आइलैंड अपीयर हुआ, उससे पहले ये आइलैंड एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो जब ये अपीयर हुआ, इसे उस टाइम भोला साइक्लोन आया था, उसके बाद ये अपीयर हुआ। नो परमानेंट इन्हेबिटेंट्स, ऑब्वियसली कभी इस पानी के अंदर सबमर्ज हो जाता है, कभी ऊपर आ जाता है, तो कोई परमानेंट इन्हेबिटेंट्स तो यहाँ पे होंगे नहीं, है ना। र्यूमर्स हैं यहाँ पे कि ऑयल एंड नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा है, ऑयल और नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए ये यहाँ पे लड़ाई होती रहती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। लड़ाई तो नहीं, मतलब विवाद है, इंडिया बोलता है ये हमारी बाउंड्री के अंडर है, बांग्लादेश बोलता है ये हमारी बाउंड्री के अंडर है, बस इसी चीज़ के लिए, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व के लिए। नाउ 2010 में क्या हुआ, हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले अपीयर 1970 में, अब 2010 में क्या हो गया, इट कम्प्लीटली सबमर्ज्ड बाय द राइजिंग लेवल, बाय द राइजिंग सी वाटर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पानी का लेवल बढ़ रहा है, और ये हो गया बिल्कुल सबमर्ज्ड पानी के अंदर 2010 में, ठीक है। तो इसलिए ये है वो आइलैंड, न्यू मूर आइलैंड जिसे कहते हैं, कभी अपीयर होगा, कभी डिसअपीयर हो जाता है। सो कभी भी आप क्वेश्चन लिखते हैं, हमेशा उस क्वेश्चन में पहले इंट्रोडक्शन देनी है, मेन कंटेंट जो भी पूछा गया वो लिखना है, सिग्निफिकेंस देना है लास्ट में, और कंक्लूजन देना है। सो मैं यहाँ पे तो आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में नहीं पढ़ा रही हूँ, बट मैं आपको वैसे ही बता रही थी। नाउ सिग्निफिकेंस आता है, इंपॉर्टेंस क्या है इन आइलैंड्स के, इन आइलैंड्स से हमें क्या फ़ायदा है। हमने तो पढ़ लिया कि किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, सब में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट या फेमस चीज़ है। सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, तो पहले है नेवल एंड मिलिट्री बेसिस। हम इनको नेवल बेस बना सकते हैं, मिलिट्री बेस बना सकते हैं, सर्विलियंस में, मतलब कोई हम पे अटैक तो नहीं कर रहा, सर्विलियंस होता है तरह से चेक करना इधर उधर, है ना, तो सर्विलियंस में यूज़ हो सकता है, कम्युनिकेशन में यूज़ हो सकता है, जब वॉर्स या बैटल्स होती हैं, लड़ाई हो जाती है, युद्ध हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो लॉन्च प्लेटफॉर्म्स, मिसाइल्स वगैरह छोड़नी है किसी और कंट्री पे, तो उस टाइम हो सकता है यूज़। बट इंडिया काफ़ी पीसफुल कंट्री है, ऐसा कभी कर ही नहीं सकती, ना कभी किया है, बट यहाँ पे हम तो सिग्निफिकेंस पढ़ रहे हैं, तो हम तो अपने व्यूज़ लिख सकते हैं, राइट। ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन में यूज़ हो सकते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा आइलैंड्स वाला पार्ट कंप्लीट। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने नोट्स बनाए या नहीं, और आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको अच्छे से पता है क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुँच जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम आपकी वीडियोज़ आती हैं बट हमें नोटिफिकेशन नहीं आती, रीज़न यही है, बेल आइकन ही नहीं प्रेस किया है, नोटिफिकेशन कैसे आएंगी, राइट। इसी के अलावा नेशनल मूवमेंट के बारे में हैंड रिटन नोट्स में बना चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। पॉलिटी हैंड रिटन नोट्स कंप्लीट कर चुकी हूँ। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि WTO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब कुछ मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर आप ये सब पढ़ना चाहते हैं, प्लस मेरे चैनल पे आपको HPGK के नोट्स, लेसन प्लान से रिलेटेड वीडियोस और जनरल स्टडी से रिलेटेड सारे नोट्स मिल जाएंगे। सारे तो नहीं, मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ टाइम के साथ अपलोड करती रहूँ। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया था वो हो गया है कम्प्लीट। सो दैट्स इट गाइज, एंड सी यू सून।